राज्य के 12,000 से अधिक कोतवालों को चतुर्थ श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संगठना के लोगों ने आजाद मैदान पर प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग थी कि जब कोतवाल भी सरकारी काम कर रहे हैं तो उन्हें वेतन अधिक क्यों नहीं। इनका कहना था कि कोतवालों को चतुर्थ श्रेणी में शामिल कर इन्हें न्याय मिलना चाहिए। ये आम जनता को पता नहीं है कि महाराष्ट्र में जो ग्रामीण इलाका होता है उसमें हर गांव में एक कोतवाल नाम का विलेज सर्वेंट होता है, और ये विलेज सर्वेंट के माध्यम से जो अपने स्टेट का बेसिक ढांचा है वो शुरू होता है, जो सबसे नीचे बिना गवर्नमेंटल कर्मचारी का टैग लिए हुए एक मानधन के ऊपर काम करने वाला जो कर्मचारी होता है उसको कोतवाल कहते हैं। और ये कोतवाल महाराष्ट्र में जब से महाराष्ट्र स्टेट बना तब से ये मानधन के ऊपर काम करते हैं, और मानधन तो बहुत कम था, मतलब मुझे लगता है पिछले 5-6 साल तक वो सिर्फ 2,000 रुपये था पर मंथ, और अभी महाराष्ट्र सरकार उनको सिर्फ 5,000 दे रही है। और ऐसे कोतवालों की संख्या जितने महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत है वो एक ग्राम पंचायत के हिसाब से एक कोतवाल, तो लगभग 12,000 से ज़्यादा कुछ कोतवाल है, अभी 16,000 होने वाले हैं। लेकिन इन कोतवाल का जो काम है कि जो सरकार का जो खजाने में पैसा इकट्ठा करने का जो काम विलेज लेवल पे रेवेन्यू लेवल का होता है, इनकम टैक्स कस्टम सेंट्रल एक्साइज वो एक अलग है, लेकिन जो रेवेन्यू का जो पैसा इकट्ठा होता है महसूल का पैसा इकट्ठा होता है वो कोतवाल से लेकर इकट्ठा करते हैं। और गांव की बेसिक जानकारी से लेकर गांव का जो भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने में 24 घंटे वो बेचारा सर्विस में रहता है। तो ऐसे कर्मचारी अगर 5,000 के ऊपर काम करते हैं तो ये एक शोषण है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, और ये एक्सप्लॉयटेशन ये किसी भी समुदाय के हित में नहीं है। और इस मामले में लेकर पिछले 10-12 साल से कि इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फोर्थ क्लास एम्प्लॉय का स्टेटस देना चाहिए और पे स्केल देना चाहिए। तो इसलिए आज का जो धरना था कि महाराष्ट्र राज्य में जितने भी कोतवाल है उन कोतवालों को एक फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा और वेतन श्रेणी देना चाहिए। जो आज सरकार में बैठे हैं वो जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने वादे किए हैं, उसके पहले भी जो कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी उन्होंने वादे किए, वादे तो सभी ने किए लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। महाराष्ट्र के अभी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी पहले इसको समर्थन दिया, एक्स चीफ मिनिस्टर आने थे इन्होंने समर्थन दिया, फडणवीस ने इस इशू को समर्थन दिया, लेकिन अब जब सरकार में बैठे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो आज हम के इस धरना के माध्यम से हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे, इशारा दे रहे कि अब ये धरना प्रदर्शन ये कोतवाल समुदाय के लोग पिछले 10-15 साल से करते आ रहे, हम अब 1-2 महीना इंतज़ार करेंगे वरना सरकार को अदालत के माध्यम से ये कोतवाल का जो फोर्थ क्लास स्टेटस है वो दिला कर रहेंगे। महाराष्ट्र के हर गांव में जो कोतवाल है, जो कोतवाल सरकार की पहली स्टेज का काम करता है, जहाँ से सरकार का काम शुरू होता है, हर गांव में एक कोतवाल होता है। इस कोतवाल को फोर्थ ग्रेड का सरकारी नौकर माना जाना चाहिए, ये पिछले कई सालों से इन कोतवालों की मांग है, जो एक जायज़ मांग है। और शेतकरी कामगार पक्ष यानी किसान मजदूर पार्टी जो है वो हमेशा किसानों के, मजदूरों के, मेहनतकशों के, बहुजनों के, दलितों के, पिछड़ों के हिमायती पार्टी रही है, उनके हक की लड़ाई लड़ती आने वाली पार्टी है। तो इसके लिए साहजिक है कि शेतकरी कामगार पक्ष इस मांग के पीछे है, इस मांग को लेकर चलने वाले उन कोतवालों के पीछे है, उस संगठन के पीछे है, और हमने ये वादा नहीं दिया है। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी पार्टी जो महाराष्ट्र के दोनों सदन में है, विधानसभा में है और विधान परिषद में है, इन दोनों जगह पर इन सवालों को जो हमारी पार्टी पुरजोर के साथ रखेगी, और इन कोतवालों को जो न्याय है वो न्याय मिलकर रहेगा, इनकी गुहार जो है वो सरकार सुनेगी, इसलिए हमारा दबाव बना रहेगा। इस आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के संबंधित विभाग से मुलाकात की और उन्हें तुरंत लिखित रूप से आश्वासन भी मिल गया, जिस पर महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संगठन ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। आज
जो हमारा जो शासन के मतलब यहाँ पे जो एक क्षेत्र के बारे में जो विषय था कि कोतवालों को चतुर्श्रेणी मिलनी चाहिए, तो इसके लिए हम लगभग 2 साल से मंत्रालय में कंटिन्यू चक्कर मार रहे थे। तो हमको मतलब अभी तक शासन ने उसके ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं की थी, लेकिन अभी हम लोग चक्कर मार मार के और कागज जो प्रोसेस है जो डॉक्यूमेंट्स की रहती है, जो अपने को जो जो डॉक्यूमेंट्स को देने पड़ते हैं वो तो सब हमने सबमिट कर दिए शासन को। उसके आधार पर ही शासन ने हमारा कोतवालों का अहवाल बनाया है। और लेकिन इतने 2 साल हो गए, डेढ़ साल हो गए, उसका अभी तक जो मतलब उन्होंने निर्णय देना चाहिए था तो वो नहीं दिया उन लोगों ने अभी तक। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी सब महाराष्ट्र के लोगों ने मिल के यहाँ पर जो आंदोलन लगाया था, तो ये आंदोलन क्या उन्होंने ये जो अहवाल है तो ये तत्काल देना चाहिए। तो आज जो हमारी जो उधर श्री मनु कुमार श्रीवास्तव प्रधान सचिव महसूल वन विभाग, इनके साथ में लगभग आधे घंटे पूरी चर्चा हो गई। तो मतलब उन्होंने बोला कि ये अगले 1 महीने के अंदर तुम्हारा काम मतलब जो अहवाल है वो शासन की तरफ से वो सबमिट हो जाएगा और उसका निकल जाहिर हो जाएगा। इतना हम ऐसा हमको लिखी भी देने वाले कल हमको मतलब हमको लिखी मतलब हाँ रिटर्न में देने वाले हो हमको वो सब। अभी जो मतलब हमारा जो आज का जो आंदोलन था तो आंदोलन पूरा यशस्वी हो गया है और उसकी दखल भी शासन ने बड़ी तादाद से ले ली है और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की उन्होंने। और हमारे सामने उन्होंने मतलब जो भी है तो हमारे सदस्य भी थे अंदर, उनके सामने सब चर्चा हो गई। इसके लिए हम तो जो हमारे जो बाहर के लोग हैं जो बेचारे गरीब, अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो हमारा कार्यक्रम सक्सेस होता ही नहीं। इसके लिए मैं सब उन कोतवालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये उनका ही फल है, ये उनको ही जाना चाहिए। सचिव लोगों का भाई इसमें हमारे को बहुत कोऑपरेट किया इन्होंने, जो जिस तरह से हमने उनके पास हमारे जो सवाल रखे उनके ऊपर उन्होंने दखल लेके उन्होंने आज हमको हर तरह से इत्मीनान कर दिए कि भाई नहीं इनका काम हो जाएगा। बस हमें इतना ही उनसे अपेक्षा था, उन अपेक्षा के हिसाब से उन्होंने अच्छी तरह से हमको चर्चा की। बस ये बारे में हम उन सचिव लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार है और उनको हम थैंक यू भी करना कहना चाहते हैं। इन लोगों को पूरी उम्मीद है कि अब जल्द ही कोतवालों को भी चतुर्थ श्रेणी में शामिल कर लिया जाएगा। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।